ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି 27 ଫେବୃଆରୀ 2017ରେ। ମାଆ ଗଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯେମିତିକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମୋ ଭାଇର, ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ବାହା ହୋଇସାରିଛି ନା, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ତ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ମରିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। यार ये फिर से इतना साल पुराना याद करना बड़ा मुश्किल है मालूम, क्योंकि ये टाइम ना निकल गया है मेरे ज़िंदगी से। अब उसके बाद तरफ वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है। जब शादी हुआ था तो एक्चुअली हम डिसीज़न मेकर वाले पोजीशन में नहीं थे, ना तो मेरा डिसीज़न माना जाता था, क्योंकि अगर माना जाता तो तुम शादी ही नहीं करते। अभी भी कहते हैं ना कि आदिवासी समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेंडर इक्वालिटी को लेकर के हैं, मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी समानता है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं अभी भी जो ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे कि मेरी अगर शादी की बात करते हैं तो मेरी भी शादी मैट्रिक में हो गई थी जब मैं 15 ईयर की थी, और पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी होने के पहले तक, मतलब मुझे 6 महीने में साल भर में पहुंचाया जाता था कि तुम माँ बाप से अगर मिलना चाहते हो, जैसे हम बार बार बोलते थे कि हमको जाना है तो तुम अकेले नहीं जा सकते हो, हाँ तो अकेले नहीं जा सकते हो। अब अगर हम मेरे घर में किसी को बोल रहे हैं कि छोड़ दो या पहुंचा दो, तो कह रहे कि हमारे पास इतना वक्त कहाँ है, हम काम करेंगे कि तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ेंगे, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, मिल के क्या करोगे, बच्चे हुए हैं अभी तो वो लोग देख के गए हैं तुमको हॉस्पिटल से, तो क्या करोगे। भाई का जब देहांत हुआ था तो वो काफ़ी बीमार था देहांत होने से पहले, और क्योंकि हम भी वहाँ पे नहीं थे और मम्मी थी, तो उस समय स्कूल में था मेरा भाई, 9th क्लास में था, और वो रक्षाबंधन का दिन था जिस दिन भाई एक्सपायर किया था। फिर सब कुछ ये हुआ, फिर 1 वीक के बाद मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, मतलब तो मैंने अपने माँ ससुराल वाले फिर मुझे लेके चले गए, क्योंकि सारा काम क्रिया ख़त्म होने के बाद आपका कोई काम नहीं है मायके में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे। ठीक है, होता है, और ऐसे में माँ जो है वो संभाल लेगी खुद को, तुम्हारे पापा है वो देखेंगे, तो अभी तो घर चलना है ना, तो ससुराल चले गए। फिर वहाँ गए तो मेरा मन बार बार इधर ही लग रहा था, क्योंकि माँ बीमार है और बाबा अकेले हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैंने बोला नहीं नहीं मेरे पापा अकेले हैं और मेरे बाबा कितना संभालेंगे घर को, माँ को कैसे देखेंगे, तो मुझे अभी वहाँ जाना है। ये खींचातानी चल रहा था कि ये अपने मन की करती है, जब मन अपने से जाना चाहती है, तो मैंने बोला अरे मेरे घर में सब बीमार पड़े हैं, घर में कोई है नहीं, और लोग क्या कहेंगे इस डर से अगर हम नहीं जाएंगे तो उनको कौन देखेगा, क्योंकि यहाँ तो सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अभी मेरे माँ को संभालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ये स्ट्रगल चलता रहा कि अब तो तुम घर छोड़ के चली गई हो तो तुम अपना समझो, तो इसलिए भी हम पढ़ाना नहीं चाहते थे कि मतलब पढ़ने के बाद लड़कियां बोलना शुरू करती है, तो हमको मालूम था कि लड़की पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी, हम लोगों ने इसीलिए तो नॉन मैट्रिक लड़की को शादी किया था ताकि वो हमारे घर के काम के लिए रहे। शादी के बाद तुम्हारे में इतना अधिकार कैसे आ गया कि तुम हमें छोड़ के अपने माँ बाप के घर चले जाओगे, और अगर वहीं रहना था तो तुमने शादी क्यों किया, तो ना तो हमने खुद से अपने से शादी किया था और ना ये सारा चीज़ झेलने के लिए तैयार थे। तब हम फाइनली एकदम सोचे कि नहीं नहीं हमको तो जाना है, बच्चे को उठाया कॉलेज के लिए गए और फिर वहीं से अपने माँ के घर चले गए। तो ये डिसीज़न मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी घर में, ज़िंदगी में और ये सारा, पर मुझे उस समय जो उचित लगा था वो यही था कि मुझे किसी भी हालत में अपने माँ के साथ रहना है। मैन ईगो जो होता है ना,
वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो सोचते कि मेरी माँ ने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, मेरी सिस्टर ने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया इन चीज़ों को, या मेरी भाभियाँ, मतलब मेरे से पहले मेरे घर में 8-9 भाभियाँ होंगी तो, और जॉइंट फैमिली है, तो उनको लगता है ना आज तक कोई फीमेल ने तो नहीं बोला, इसी यही बोल रही है, इसी को प्रॉब्लम है। सोचा था कि मुझे पेरेंट्स के साथ रहना है, मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, मुझे यही डर लगता था कि मैं किसी दूसरी सिटी में चले जाऊंगी और मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा, एज अ किड मैं उनको कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इस उसमें मैंने अपने फादर को एक ही कंडीशन रखी थी, मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूँगी बट वो सेम सिटी में होना चाहिए। एंड समवेयर ये शायद फ्यूचर या डेस्टिनी कुछ ऐसा था कि मुझे लग, जो एक अंदर से डर था वही हुआ। जब मेरे फादर को हार्ट अटैक हुए, दो, ही हैड टू हार्ट अटैक्स, कोई भी बच्चा पास में नहीं था एक्सेप्ट मी, सो आई हैड टेकन केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, स्टार्टेड फ्रॉम टेकिंग हिम टू ICU एंड अरेंजिंग मनी, एंड देन यू नो आफ्टर ही रिकवर्स टेकिंग केयर ऑफ हिम फॉर रिमेनिंग 2-3 मंथ्स व्हेनेवर ही वाज ऑन बेड रेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम। सो द डे आई लॉस्ट हिम I feel like, you know, I have to take his role in the family. And I feel that, and my father also used to say that she is my eldest son. I don't know, because logon ko aisa lagta hai ki jo responsibility leta hai, wo son hota hai. We had to sell our house, have to move my mother and brother near to my society so that every evening, morning, I can go and check with them. And this continued for another year. And she is always needing me for an emotional support. 2.5 years back, she had a very bad fungal infection in a food pipe, and there were some issues with her intestine. And that is the time I had actually, you know, forgotten everything in my life, because I didn't want to lose her again, because I lost my father like that. But my mother needs that I have to be with her, to bring her my home. I mean, it's my husband is like, you know, he's supportive, but he's not firm on his decision. At times he will say that it's fine. At times he will have some emotional issues on this. And there are so many relatives which have an objection that if I have a brother, why I am so much taking care of things? You know, and my mother is at the age that she need a connection, she need an attention, she need love. But I didn't know where to take her, and even I decided to take a place of rented when I have my own home in Ghaziabad. So around 6 months I had stayed with my sister, and during that time had a lot of martial discord with my family. At one point of time, like, my husband felt as if I have actually left him for my mother. So my husband said this, that if you're going to continue like that, you can divorce me. And I said, fine, if this is something, I'm taking care of my mother, and this is something is not going with you, then I cannot be with you, because you are not there when I need it. Marriage is a bonding between two families. So when a boy gets married, there is another girl comes in family, and everybody expect her to take all responsibility. So why not, when a girl gets married, why not people expect that even the boy's family or a groom's family and a groom himself is also become responsible for the bride's family, right? It's my mother, she needs me, I have to be there. Why others have to decide that I'm married so I cannot take care of her? That's not fair. ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମାନେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଘରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସର କିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ ବିନା ପରିମିଶନରେ କାହାକୁ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ଥାଏ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବୋହୂମାନଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଅଧିକାର ଆମ ପୁଅ ଯାହା କହିବ, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ
ବାପା ଘର ସହିତ ଯେତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁନୁ କି ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିପାରିବୁନୁ। ତୋର କହନ୍ତି ତମର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ହରି ପଛେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ଇଏ ମନା କରିଦେବେ, କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇ ହେବନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଯିବୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ପାଇଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ, ସେ ମରିଗଲେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଛି, ମୁଁ କେବେ କାହାରି ଆଗରେ କହିନି, ମୋ ଲୋକରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଛିକିରି ଲିଭେଇଛି, ଆମେ ଲିଭେଇଛି ଆଉ ରହିଛି, ଦିନକ ପାଇଁ କହିନି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି ବୋଲିକି, ଆଜି ଭଲ ଦେବି ମନେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଲୁଚେଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଦିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ କହିକିରି 150 କି 200 ଏମିତି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ, କହିଲେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। बेटियों को उस समय में पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बट मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया क्योंकि मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ और अपने पाँव पे खड़े हो करके किसी पर निर्भर ना रहो। मुझे अपने आप से एक नैतिक जिम्मेदारी लगती थी कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पापा रिटायर हैं, ओल्ड हैं, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं कमा रही हूँ, तो मुझे भी उनको किसी तरह से मदद करनी चाहिए। और ये मालूम था मुझे कि कभी भी मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से मदद दूंगी तो वो लेंगे नहीं, तो मैं चुपचाप अपनी एक दोस्त की मदद से उसका एड्रेस लेके हर महीने कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर देती थी, और जो वो मैं मनी ऑर्डर करती थी वो खबर मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं होने दी। हालांकि मन तो बहुत होता था कि खुल के करूँ, क्योंकि इन लॉज को तो मैं खुल के देती थी, लेकिन मम्मी पापा को इस तरह से छुप के मदद देना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन अपने पास कोई भी किसी भी तरह का विकल्प ही नहीं था। उस समय मुझे वही सबसे अच्छा लगा और उसी में थोड़ी शांति मिली, वो मैंने किया। ये समस्त कहानी वैसे किसी अलग नुह से अध्यापक हूँ कि आक्टिविस्ट दिल्ली हूँ कि रांची रु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ନା ଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନା ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ମୋତେ ଝିଅ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ମୁଁ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି।